हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 4, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इस चैप्टर में हम सम नंबर 5 सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सोनाली और मोनाली 3/5:2/5 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। उन्होंने रूपाली को 1/4 लाभ के लिए नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। रूपाली 1/6 भाग सोनाली से और 1/12 भाग मोनाली से प्राप्त करती है। फर्म का नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात कीजिए। सोनाली एंड मोनाली आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3/5:2/5। दे एडमिटेड रूपाली एज पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन अ प्रॉफिट। रूपाली गेट्स हर शेयर 1/6 फ्रॉम सोनाली एंड 1/12 फ्रॉम मोनाली। फाइंड आउट फर्म्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस सम में हमें सोनाली और मोनाली का सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है। सम में बोला है कि रूपाली 1/6 पार्ट सोनाली से एंड 1/12 पार्ट मोनाली से रिसीव करती है, तो यही उनका सेक्रीफाइस हो गया। सो हम यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोनालीज सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू 1/6, मोनालीज सेक्रीफाइस इक्वल्स टू 1/12। तो हम न्यू रेशो का फॉर्मूला पहले के सम्स में डिस्कस कर चुके हैं, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस। तो हम सोनाली और मोनाली का न्यू रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले सोनालीज न्यू रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो 3/5 माइनस सेक्रीफाइस 1/6। तो 3/5 में से हम माइनस करेंगे 1/6। कैलकुलेशन करके देखिए आप, हमारा सॉल्यूशन आएगा 13/30। ओके, तो ये हो गया सोनाली का न्यू रेशो। देन बात करते हैं हम मोनालीज न्यू रेशो 2/5 - 1/12। 2/5 मोनाली का ओल्ड रेशो है, माइनस करेंगे उसमें से हम सेक्रीफाइस। तो LCM के थ्रू हम जब इस सम को सॉल्व करेंगे, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, तो मोनाली का जो रेशो आएगा, न्यू रेशो वो आएगा 19/60। ओके, तो फॉर्म का न्यू रेशो आप देख सकते हो, हमने अभी निकाला 13/30:30:19/60:1/4। LCM के थ्रू हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन रेशोस को। तो हम LCM लेंगे तो आएगा 6/0:60, एंड हमारा सिंप्लीफाई होके जो रेशो है फर्म्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो आ जाएगा 26:19:1/15। ओके, 26:19:15 ये आ जाएगा इस सम का आंसर, फर्म का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।